नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कर्जा उधार का लेन देन किस दिन करना शुभ होता है और किस दिन अशुभ होता है। दोस्तों, आजकल की जीवन शैली में पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर वर्ग के व्यक्ति को होती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। हर काम आज दुनिया में पैसे से ही होता है, पैसे के बिना किसी भी काम की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि जीवन में कुछ ऐसी ज़रूरतें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें पैसा अपने दोस्तों या बैंकों से उधार या कर्ज के रूप में लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ज लेते और देते समय कुछ ज्योतिष नियमों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। ज्योतिष के अनुसार हफ्ते के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को ना तो किसी को पैसा उधार या कर्ज के रूप में देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन दिनों पैसों का आदान प्रदान किया जाए तो उनके वापस मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ज्योतिष में पैसा उधार लेने और देने के संबंध में कुछ खास दिन बताए गए हैं, जिनका अगर पालन किया जाए तो इससे कर्ज जल्दी उतरता है और अगर किसी को पैसा उधार दिया जाए तो उसकी प्राप्ति जल्दी होती है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि उधार या कर्ज का लेन देन किस दिन करना शुभ होता है और किस दिन अशुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, सोमवार के दिन आप किसी से कर्ज उधार ले भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, क्योंकि इस दिन किसी भी प्रकार के कर्ज उधार के लेन देन में हानि की संभावना नहीं होती। इस दिन दिया जाने वाला कर्ज जहां आपको शुभ फल देता है, वहीं इस दिन आप किसी से कर्ज उधार लेते हैं तो यह भी आपको लाभ पहुंचाता है और आप इस उधार को समय पर चुका भी पाते हैं। इसलिए दोस्तों, यह दिन कर्ज उधार के लेन देन के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, मंगलवार के दिन किसी से भी उधार या कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज आसानी से वापस चुकता नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इसे चुकाने में बहुत कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी से भी कोई कर्ज उधार लेता है तो उसका कर्ज लेने का मकसद भी पूरा नहीं होता बल्कि उसकी आर्थिक मुश्किलें और भी बढ़ती हैं। इसलिए दोस्तों, मंगलवार के दिन कर्ज उधार लेना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों, अगर इस दिन किसी का कोई भी कर्ज उधार वापस चुकाया जाए तो यह बहुत लाभदायक और शुभ होता है। इस दिन वापस चुकाया गया उधार शुभता लेकर आता है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, कर्ज उधार की किस्त चुकाने के लिए हमेशा मंगलवार का दिन चुनना चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी का भी पैसा वापस लौटाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्ज उधार आसानी से उतर जाए तो आप हमेशा इस दिन ही अपने कर्ज उधार की किस्त को कर्ज लेने वाले व्यक्ति या बैंक को वापस देनी शुरू करें। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, बुधवार के दिन किसी को भी उधार या कर्ज के रूप में पैसा कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस दिन का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है और ज्योतिष में बुध ग्रह को नपुंसक यानी किन्नर माना गया है। दोस्तों, जिस तरह किन्नर दूसरों से मांग कर अपना गुजारा करते हैं और किसी को पैसा वापस नहीं करते, ठीक उसी तरह इस दिन किसी को भी पैसा उधार देने से उसके वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। इस दिन दूसरों को पैसा उधार या कर्ज के रूप में देने से वह बहुत देर और कष्टों के बाद प्राप्त होता है और कई बार तो इसके कारण आपसी संबंधों में भी दरार आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन दूसरों से कर्ज उधार के रूप में पैसे लेने से भी हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने से उसे वापस चुका पाना मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन कर्ज उधार का लेन देन करना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, गुरुवार के दिन भी दूसरों को कर्ज उधार में पैसा कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस दिन का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है, जो जीवन में सभी मंगल कार्य को कारक माने गए हैं। इस दिन किसी को भी कर्ज उधार में पैसे देने का अर्थ है कि इसके साथ ही आप अपनी खुशहाली भी दूसरों को दे रहे हैं। इसलिए इस दिन घर का धन घर से बाहर जाना शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दिन दूसरों से कर्ज उधार में पैसे लेना बहुत शुभ फलदायी होता है। इस दिन लिया कर्ज ना सिर्फ कर्ज लेने के उद्देश्य को पूरा करता है बल्कि इससे कई गुना आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस दिन लिया कर्ज जल्दी ही उतर जाता है। इसलिए दोस्तों, गुरुवार के दिन दूसरों से कर्ज उधार में पैसा लेना शुभ होता है, लेकिन इस दिन दूसरों को पैसा कर्ज उधार के रूप में देना अशुभ होता है।
ज्योतिष के अनुसार दोस्तों शुक्रवार के दिन उधार या कर्ज के रूप में किसी से पैसे लेने और किसी को देने दोनों ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों इसका कारण यह है कि इस दिन का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना गया है। इन सुख सुविधाओं को पाने के लिए दोस्तों अगर इस दिन किसी से कोई कर्ज या उधार लिया जाए तो इसका भुगतान समय पर हो जाता है और अगर इस दिन किसी को कर्ज या उधार दिया जाए तो उसके लौटने की संभावना भी बहुत होती है। इसलिए दोस्तों शुक्रवार के दिन उधार या कर्ज के रूप में किसी से पैसे लेने और किसी को देने दोनों ही शुभ माने जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों शनिवार के दिन उधार या कर्ज लेने और देने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और शनि की चाल बहुत धीमी होती है, इसलिए इस दिन लिया या दिया गया कर्ज या उधार लंबे समय में खत्म हो पाता है। इसे उतारने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कर्ज डूबने की संभावना नहीं होती और कर्जदार भी किसी न किसी तरह कर्ज या उधार चुका जरूर देता है, लेकिन दोनों को ही इसके लिए लंबे समय तक इंतजार और कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों यह दिन कर्ज या उधार लेने और देने के लिए शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों हफ्ते के आखिरी दिन यानी रविवार को ना तो आपको किसी को कर्ज देना चाहिए और ना ही किसी से कर्ज लेना चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। ज्योतिष के अनुसार जैसे सूर्य का तेज बढ़ता है और वह निरंतर गति करता है, ठीक उसी तरह अगर इस दिन किसी से कर्ज या उधार लिया जाए तो उसका भार भी निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए दोस्तों रविवार के दिन कर्ज या उधार का लेन देन करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।